उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। She hasn't been smashed like this before. That's what she said. इंस्टा पर शी हर दे देम कर सकते हो, लेकिन बायो के XXXY का क्या करोगे? कंटेस्टेंट का अपना अलग घर होता है, फैंस की अपनी अलग दुनिया होती है। एमएनसी में जॉब कर रहा था, लंच टाइम में आया और शूटिंग करके एक सिल्वर मेडल ले गया। मतलब जो भी बिग बॉस देखते हैं ना, मैं तहे दिल से तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ ये कोचिंग हब्स बने हुए हैं, वहाँ पर कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो बेसमेंट में चली है। एंड दैट्स जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट। आंखें बंद कर दी गई है और बोला जा रहा है कि आप थप्पड़ मारेंगे। अब ये नहीं पता कि किस गाल पे मारेंगे और कितनी जोर का मारेंगे। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। आज का शो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। बातें क्या करनी है, मैं ही बड़बड़ाता रहता हूं तो मैं की करने से फुर्सत कहां है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट रही ओलंपिक से, पेरिस में होने वाला वो इवेंट जहां से मेडल से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही है। ये है इटालियन बॉक्सर एंजेला कैरिनी, बड़ी हाईलाइट में रही क्योंकि एक वुमेन बॉक्सिंग बाउट में अल्जीरियन बॉक्सर इमान खलीफ ने सिर्फ 45 सेकंड के अंदर इनकी थूथ छेद दी। 45 सेकंड, अबाउट शॉर्टर देन एन इंस्टाग्राम रील। पहले ही पंच के बाद एंजेला कैरिनी ने क्विट कर दिया एंड बोला कि शी हैजंट बीन स्मैश्ड लाइक दिस बिफोर। दैट्स व्हाट शी सेड। गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। नाउ ये इशू इसलिए बना क्योंकि जो अल्जीरियन बॉक्सर है इमान खलीफ, वो एलिजिडली एक बायोलॉजिकल मेल है, लड़का है। और यही वजह थी कि पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इसी को लेकर इनको डिस्क्वालिफाई किया गया था। और ये लड़का इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इनके मेल एक्स वाई क्रोमोजोम है, लड़कियों के XX क्रोमोजोम होते हैं, और इनके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है। और ये मैच दुनिया भर का एक टॉकिंग पॉइंट बन गया। मेनी ऑफ द पीपल सपोर्टेड एंजेला कैरिनी। जीके रोलिंग ने बोला, कुड एनी पिक्चर सम अप आवर न्यू मेंस राइट बेटर? द स्मर्क ऑफ अ मेल हु नोज ही इज प्रोटेक्टेड बाय अ मिसोजिनिस्ट स्पोर्टिंग एस्टैब्लिशमेंट एंजॉयिंग द डिस्ट्रेस ऑफ अ वुमन ही इज जस्ट पंच्ड इन द हेड एंड हुज लाइफ एंबिशन इज जस्ट शैटर्ड। भाई फोटो तो बहुत तगड़ी है, वांटेड वाले ऑडियो के साथ सुनो एक बार। जेम्स रिफस लिखते हैं, इफ यू आर चेयरिंग दिस ऑन, शेम ऑन यू, यू नो दिस इज रॉन्ग। राइली बोलते हैं, मेन डोंट बिलोंग इन वुमेन स्पोर्ट्स। इलॉन मस्क अग्रीज। नाउ बिफोर यू मेक एन ओपिनियन, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। बचपन में होता था ना स्पोर्ट्स का पीरियड, बायो वाले टीचर खा जाते थे, ये उसका अडल्ट वर्जन। क्योंकि अल्जीरिया ने बोला है, नहीं, खलीफ एक लड़की है और उनके लड़के होने के एलिगेशंस डिनाई किए हैं। कहा गया कि खलीफ एज अ रेयर कंडीशन कॉल्ड डीएसडी, डिफरेंस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, जहां पर होती तो महिला है पर हार्मोन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक मेल के होते हैं। अच्छा, ये एक लौता कॉन्ट्रोवर्शियल मैच नहीं था, यही हुआ जब ताइवान के लिन यूटिंग, जो एक बायोलॉजिकल मेल है, उन्होंने एक उज़्बेकी महिला बॉक्सर को हराया। ये तो वही बात हो गई, मारी छोरियां छोरों से कम है के? Moving on. Now it's worth mentioning here कि ये जो gender debate है, ये काफी लंबे समय से चली आ रही है, खासकर sports में। Start हुआ था अमेरिका में, where men who started identifying as women started competing in women's sports। और क्योंकि उनके पास एक biological advantage था, वो records break करने लग गए। और अमेरिका में इस time पे ये इतना बड़ा मसला है कि Donald Trump इसको एक election issue बनाए हुए हैं। And by the way, we should not allow men to play in women's sports. Now इसमें my personal opinion, वैसे ही ये चलता है, can be your life, your choice, but sports में ये clearly बहुत unfair है। क्योंकि बायोलॉजिकली मेल और फीमेल सेम नहीं हो सकते, एक के पास हमेशा एक अपर हैंड रहेगा। इंस्टा पर शी हर दे देम कर सकते हो, लेकिन बायो के XXXY का क्या करोगे? यू कैन चेंज योर प्रोनाउंस, यू कैन नॉट चेंज योर क्रोमोसोम्स। एंड आपका इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में #ParisOlympics लिखकर एक बार जरूर बताना। थोड़ी आवाज में खराश आ गई है, मूविंग ऑन। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। और देखो, ये सब होता रहता है, मेडल वेडल की छोटी बात नहीं, कोई भी जीत लेता है, बड़ी बात है ट्रॉफी जीतना। ओलंपिक में ट्रॉफी भी होता है? बिग बॉस में फाइनल हो गया ना, डिसलाइक करो जल्दी जल्दी। सॉरी। एंड इफ यू आर वॉचिंग, सना मकबूल बिग बॉस OTT की नई चैंपियन बन चुकी है। कौन है? ट्रस्ट मी भाई, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। एंड जितना मैंने जाना है ना, बिग बॉस अलग ही चीज है भाई। कंटेस्टेंट का अपना अलग घर होता है, फैंस की अपनी अलग दुनिया होती है। वो बिग बॉस के घर की लड़ाई के पीछे अपने घर में लड़ाई कर लेते हैं। मतलब जो भी बिग बॉस देखते हैं ना, मैं तहे दिल से तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अपनी जिंदगी में छीन टपाक डम डम। You would never guess my next move. We'll always keep you guessing. अगली खबर है मुझसे रिलेटेड। देखो, मुझे पता है तुम लोग ना मुझे एरा गहरा नत्थू गहरा समझते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी हाइट छोटी है लेकिन आदमी बहुत बड़ा हूं मैं। मैं हूँ डिजिटल न्यूज OTT ब्रॉडकास्टर।
और ये खिताब मुझे देता है सरकार का बहुत ही जल्द आने वाला ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल जो लाया जा रहा है हम जैसे कंटेंट क्रिएटर डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के लिए, यानी कि वो लोग जो रोजी रोटी के लिए ऑनलाइन सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं और लाइक सब्सक्राइब की भीख मांगते हैं। दूसरा क्लॉज थानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। बट केबल टेलीविजन एक्ट को रिप्लेस करके सरकार बहुत ही जल्द लॉन्च करने जा रही है ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल BSRB जो लाया जा रहा है हम जैसे न्यूज यूट्यूबर्स के लिए, नॉट स्पेसिफिकली हम जैसे बट कोई भी जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन डिजिटली सोशल मीडिया पर न्यूज पर पॉलिटिक्स पर या सोशल कमेंट्री करता है और किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ट्वीट हो या फिर इनफैक्ट इन इंस्टाग्राम स्टोरी, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस बिग अम्ब्रेला। न्यूज रिलेटेड कोई भी कुछ भी कमेंट्री करेगा, जुबान खोलेगा, अंगूठा चलाएगा, उसको माना जाएगा एक डिजिटल ब्रॉडकास्टर और उसे फॉलो करने होंगे प्रोग्राम कोड, सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा, नियम कायदे कानून, एडवाइजरी काउंसिल, कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी, और ये सब भी कर लिया तो एक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होगा जिसके आगे सलाम करना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा ग्रीवियांस रेडसल, बोल नहीं पा रहे मालिक कैसे होगा। और इतना हाहाकार इसलिए हो रहा है क्योंकि यूजली क्या होता है कि कोई भी बिल निकालने से पहले उसका एक ड्राफ्ट रिलीज किया जाता है फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, यहाँ पर वो ड्राफ्ट रिलीज नहीं किया जा रहा पब्लिक को, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आंखें बंद कर दी गई हैं और बोला जा रहा है कि आप थप्पड़ मारेंगे, अब ये नहीं पता कि किस गाल पे मारेंगे और कितनी जोर का मारेंगे, हमें छोड़ो इन्हें खुद नहीं पता, बस इतना पता है कि मारेंगे थप्पड़। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि सरकार इतने ज्यादा रेगुलेशन लाने जा रही है कि वो एक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर के लिए फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। Subtitles, in fact, sign language कैसे करेंगे? Sign language में बताओ जी भाई। भाई जितने भी लेफ्ट लोग हो अल्लाह कर रहे हैं ना मेरे पास मत आना, मैं गोस्वामी आदमी हूं, मेरा क्लियर है, चाचा जी का चलता है न्यूज चैनल, मैं वहां पे एक शो होस्ट कर लूंगा, गाली देता रहूंगा या पैनलिस्ट बन के गाली खाता रहूंगा, ना लेफ्ट ना राइट ना न्यूट्रल, रिवर्स। ओलंपिक्स की बात करते हैं, मनु भाकर के 2 ब्रॉन्ज के साथ अब इंडिया का ओलंपिक मेडल खाता खुल चुका है। अब अगला जो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है वो है बैडमिंटन स्टार प्लेयर लक्ष्य सेन। भाई क्या क्या शॉट्स मारे हैं उस बंदे ने, मेरे से देख के ड्रॉप नहीं होता, वो बिना देखे स्मैश मार ले रहा है। और एक ओलंपिक मेडलिस्ट जो सबसे ज्यादा वायरल रहे वो थे टर्की के ये भाई साहब, ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी एमएनसी में जॉब कर रहा था, लंच टाइम में आया और शूटिंग करके एक सिल्वर मेडल ले गया, और लोग इंटरनेट पे सही में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहे हैं कि ये कोई एथलीट वेथलीट नहीं, ये सही में हिटमैन है जो बिना किसी गेयर के बस ऐसी चश्मा पहन के मार दे रहा है गोली, चश्मे वाले लोग होते तो तेज है। रिच किड्स विद डोनेशन मनी, एक्सपेंसिव कोचिंग एक्सेंट, फॉरेन ट्रिप्स, फैंसी कार्स, शॉपर एंड क्रेडिट कार्ड, मिडिल क्लास किड विद एल्डर ब्रदर बुक्स, बहन की स्कूटी, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन, जीरो जनरेशनल वेल्थ एंड सेल्फ स्टडी। लोग पर्सनल अचीवमेंट समझ रहे हैं इसको भाई। सागर काजम का मीम है, एग्जाम सीन्स, सेक्शन ए टॉपर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, सेक्शन बी टॉपर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, बैक बेंचर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मी हू ओपन्ड द बुक वन डे अगो। भाई आज किस चीज का पेपर है, मैप्स भी थे। चलो अगली न्यूज पर आते हैं, अगर मुंह चलाना एक ओलंपिक स्पोर्ट्स होता तो हमारे देश में हर पार्टी कम से कम 6-7 मेडल ले गया। इस हफ्ते का सबसे बड़ा मसला हुआ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर के बीच, जो कास्ट सेंसस के मुद्दे पर लड़ गए। जैसे कि आप जानते हैं राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जातीय जनगणना कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कास्ट के बेसिस पर लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको याद हो मंगलसूत्र वाला मसला भी इसी से स्टार्ट हुआ था। माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। तो उसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में ये कहा, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। नो डाउट अनुराग भाई थोड़ा जोश जोश में पर्सनल चले गए, बट पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में है। आप देखो कास्ट सेंसस होने के प्रोस भी हैं कॉन्स भी है। सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो सिर्फ ये पता नहीं चलता कि भाई वहां पे किस कास्ट के कितने लोग रहते हैं, और भी कई माइन्यूट डेटास पता चलते हैं कि उनका हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन स्टेटस कितना है, इनकम इक्वालिटी कितनी है, तो इन सारी डेटा के बेसिस पे पॉलिसी बनाने के मामले में बहुत हेल्प मिलती है। लोग अपने कास्ट के बेसिस पे कास्ट स्पेसिफिक रिजर्वेशन मांगने लगेंगे, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की मांग हो रही है, गुजरात में पाटीदार रिजर्वेशन की मांग हो रही है, ऐसे ही हर स्टेट में सब कास्ट अपने अपने लिए रिजर्वेशन मांगने लगेंगे, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी और गहराई में इस टॉपिक को समझना है तो कुछ आर्टिकल सजेस्ट कर देता हूं। एक ये वाला आर्टिकल है द प्रॉब्लम्स विद सब कास्ट रिजर्वेशन को जो समझाता है, ये हिंदू का ओपिनियन है 18 तारीख का। फिर ये प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल है कास्ट इक्वेशन फॉर राहुल, ये 31 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन पेज पर छपा हुआ है,
और एक, हाँ, एक योगेंद्र यादव का बहुत अच्छा आर्टिकल एक हिंदी अखबार में छपा था पिछले साल, इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बड़ी हेडलाइन इस हफ्ते रही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की जो घटना थी, जिसको अब तक नहीं पता है, दिल्ली के राउज आई स्टडी सर्कल के बेसमेंट में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद देश भर में एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। और जो भी बड़े नाम आते हैं ना आपकी कोचिंग में, विकास दिव्याकीर्ति, अवध ओझा, खान सर, इन सब के खिलाफ भी बच्चों का आक्रोश देखने को मिला। इनफैक्ट आप में से कई लोगों ने कमेंट में मुझसे इस न्यूज़ को कवर करने की स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, एंड राइटली सो, क्योंकि मैंने इस इंस्टीट्यूशन के कई सारे टीचर्स के साथ काम किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना वो जगह देखी है, मैं वो बेसमेंट देखा है जहाँ पे ये घटना हुई, वहाँ पे जाके मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ, टीचर्स के साथ बैठा हूँ। तो अब जब घटनास्थल आपने देखा होता है तो आपकी मेमोरी में वो अलग तरीके से चल रहा होता है। एनीवे, पहले समझ लो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कई लोग अभी इस मामले में कन्फ्यूज्ड हैं। कभी आप ओल्ड राजेंद्र नगर जाओगे ना तो आप देखना वहाँ पे लाइन से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, राउज आई एस भी वही हैं, दृष्टि भी वही हैं, वाजीराम वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता था कि रोड के सामने ना जब बारिश होती तो पानी भर जाता था बहुत ज़्यादा, और इनका राउज वालों का एक लोहे का गेट था जो सब चीज़ को संभाल के रखता था। तो जब पानी भरा वहाँ पर, फिर एक गाड़ी आई, थार शायद गाड़ी थी, वो गई और उसने पानी का इतना तेज का जोर दिया कि उससे वो गेट खुल गया, और उस गेट खुलने के बाद पानी एकदम से आया और वो बेसमेंट में भरने लगा, और अचानक से पूरा पानी आया तो एक वर्लपूल इफेक्ट होता है कि वो भरता ही चला गया, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ मिनट्स पूरा बेसमेंट फ्लड हो गया था, एंड उसके बाद ये दुर्घटना हुई। नाउ डेयर आई से कि ये एक ना एक दिन होना ही था, इसके 2 दिन पहले भी जब वहाँ बारिश में एक बच्चे की इलेक्ट्रिक्यूशन से मौत हो गई थी, उतनी बड़ी हेडलाइन थी मनी, बट दिस इंसिडेंट काइंड ऑफ ओपन द फ्लड गेट्स। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास सर आज 4 दिन हो गया घटना हुए, एक भी शब्द नहीं बोले। ये कोचिंग माफिया, इसी कोचिंग माफिया के अंदर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, इनके अंदर इतनी सी नैतिकता नहीं है कि ये आकर एक शब्द बोल दे। एंड बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे लोगों पर बच्चों का गुस्सा जायज है। अब बात करते हैं रिपरकशंस की। राउज आईएएस इंस्टीट्यूट जो इलीगली अपने बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे, उनके फाउंडर अरेस्ट हो गए, दृष्टि आईएएस सील हो गया था, बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स ने माफी मांगी है, विकास दिव्याकीर्ति ने ऑन रिकॉर्ड आके अपनी गलती मानी और कॉम्पेंसेशन की बात की। मैं जो विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। पिछले 3 दिन में जो घटना घटी उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई, और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। एंड टू ऑल द एस्पिरेंट्स यू आर लिसनिंग टू दिस, जितना सेंसेशनली और जितना दुखद ये घटना हुई, लोगों का गुस्सा आक्रोश जायज है, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट फॉरगेट टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, क्योंकि आप भी जानते हो बात सिर्फ ORN की नहीं है, मुखर्जी नगर की नहीं है, पूरे दिल्ली में जहां जहां ये कोचिंग हब्स बने हुए हैं वहां पर कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो बेसमेंट में चल रही है, एंड दैट्स जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट। कितने सारे ऐसे घर हैं जो माले पे माले चढ़ाए जा रहे हैं रेंट के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि अथॉरिटीज को ये पता नहीं है या पता नहीं था, सवाल ये है कि कोई चेक्स इन प्लेस क्यों नहीं थे। एंड क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात थी तो जितनी ऑनेस्टली मैं अपनी बात आपके सामने रख सकता था मैंने उतनी ऑनेस्टली रखी, बाकी आपका इस मामले में क्या कहना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है केरला राज्य से, जहां राज्य के अलग अलग जेलों में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली, इसमें 300 लोगों की जान गई है, जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है, और पता नहीं कितने लोग हैं जो आज भी लापता है। और ये सिर्फ केरला में नेचुरल कैलामिटी नहीं हुई है, अभी हाल ही में हिमाचल में भी लैंडस्लाइड्स की बहुत घटनाएं देखने को मिल रही है। पिछले दिन एक खबर आई थी कि पूरा गांव का गांव ही है जो बह गया, और इसका रीजन सिर्फ नेचुरल नहीं है, कई सारी आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हैं वहाँ पर, एग्रीकल्चरल पैटर्न जो चेंज कर रहे हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हटा के वहाँ पर खेत उगाए जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये सब करने के लिए जो मैसिव लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है। अब इसका अगर आपको नुआंस समझना है तो इंडियन एक्सप्रेस का ये वाला आर्टिकल है, जाके पढ़ लेना, बहुत खूबसूरती से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। और आपको ये भी नहीं पढ़ना तो हमारे चैनल पर ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, इस साल जनवरी में जब हम लोग वायनाड गए थे तो वहीं के लोगों ने हमें बताया था कि वहाँ पर कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसका वर्स्ट केस सिनेरियो आज देखने को हमें मिल रहा है। Rahul, like the climate is changing, na? So, yeah. How much have you noticed the crops change or the temperature, weather in Kerala? 3 years or 4 years, uh-huh. In Wayanad, it's very hot in the summer. It's very hot in the summer? Yeah, yeah. I think it's become like 33, 32 and all. Wayanad, it's always like 28, 27. It used to be cooler, but yeah. Now it's hot. But okay. Right now, it's like hotter. Okay. And now the caste census was not the only news highlight of this week. Reservation को लेकर इस हफ्ते Supreme Court से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अगर आपने कभी सरकारी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा OBC कैटेगरी में एक क्रीमी लेयर होती है, पता है ना?
ये नहीं पता इनको, लेकिन अगर इनसे ये पूछ लो कि क्रीम कलर की पैंट में कितने आउटफिट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे तो दो बताएंगे, तीन पहन के दिखा देंगे। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, ओबीसी कैटेगरी में एक क्रीमी लेयर होती थी, एससी एसटी कैटेगरी में नहीं होती थी, लेकिन अब होगी। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जजेस की बेंच ने डिसीजन लिया है कि अब एससी और एसटी कैटेगरी में भी अब सब क्लासिफिकेशन होगा। पढ़ के समझाता हूं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द शेड्यूल कास्ट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सोशली होमोजीनियस क्लास, मतलब जितने भी एससी कैटेगरी में आते हैं अब वो सब एक जैसे नहीं है, कुछ थोड़े से अपलिफ्ट हो चुके हैं। एंड कैन बी सब क्लासिफाइड बाई स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर द लेस प्रिविलेज्ड अमंग देम। नाउ द कीवर्ड बीइंग सब क्लासिफाइड बाई द स्टेट्स, मतलब ये स्टेट्स को पावर दी गई है कि वो अपने अपने राज्य के जो एससी कम्युनिटीज हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है अब और कौन से ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत अब नहीं है। एंड मान के चलो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं रिजर्वेशन हमारे देश में एक बहुत सेंसिटिव और बहुत ही नॉन्स टॉपिक है। बात तो सही है। अभी डिसीजन क्या है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए, क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे होता है और हर स्टेट में कौन सी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, शेड्यूल कम्युनिटीज हैं जो पाई जाती हैं, वो आपको इंडियन एक्सप्रेस के 2 तारीख के इस वाले आर्टिकल में पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। जैसे कि अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में हमारे होते हैं, वहाँ पे गोंड लोग बहुत होते हैं, राजस्थान में मेघवाल पाए जाते हैं, झारखंड और उड़ीसा में संथाली होते हैं, वहाँ के ट्राइबल्स, बहुत सारा कुछ है आपको जो समझने को पढ़ने को मिलेगा। ये वाला आर्टिकल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे रामदास अठावले जी, उन्होंने कहा है वो इसका विरोध करेंगे। अब ये हुआ इसलिए है क्योंकि कई टाइम से आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि भाई जितने भी एससी कैटेगरी में लोग आते हैं अब वो सब मार्जिनलाइज नहीं है, कुछ लोग अब फाइनेंशियली एक अच्छे स्ट्रेटा में आ चुके हैं, इसलिए जरूरी है कि अब ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है इनको बदला जाए, चेंज किया जाए, थोड़ा सा ट्वीक किया जाए। क्या आप भी यही सोच रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में #reservationlaw लिखकर एक बार जरूर बताना। अच्छा, क्रीमी लेयर से याद आया, अगली न्यूज सुनो, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि न्यूज हर बार ना पॉलिटिकल कलेश और एंटरटेनमेंट कंट्रोवर्सी नहीं होती, कुछ न्यूज ऐसी भी होती है जिनसे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नया नजरिया मिलता है ना। जैसे कि आपको क्रेडिट स्विस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट बताता हूं, 2018 में आई थी, एग्जैक्ट नंबर अब तक थोड़े चेंज हो गए होंगे पर मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जो दिखता है वो बिकता है, हो सकता है आपके विसिनिटी में, आपके सोशल गैदरिंग में, आपकी इंस्टाग्राम फीड पे अमीरी ज्यादा चमकती है, इसलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार हमारी जिंदगी खराब है, बाकी सबके पास तो बहुत पैसा है, बाकी सब तो बहुत रईस है, है ना। या। पर ये जान लो कि आप उतने गरीब नहीं हो जितना आपको लगता है, या दुनिया में उतने पैसे वाले नहीं है जितने आपको दिखते हैं। और इस बात को इससे समझो कि अगर आपकी टोटल नेटवर्थ अगर 3.5 लाख रुपए की है तो आप दुनिया भर के 50% आबादी से ज्यादा अमीर हो, देश की नहीं दुनिया भर की 50% आबादी से ज्यादा अमीर हो। सरक उधर। एक और बात याद रखो, ये नेटवर्थ है, ये सिर्फ कैश इन हैंड नहीं है, मतलब आपके घर के, आपके दुकान के, आपके गहने वहने, जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, अगर सबकी कीमत कुल मिला के 3.5 लाख रुपए भी है ना, तो आप दुनिया भर के 50% लोगों से ज्यादा अमीर हो। और 3.5 लाख फिर बहुत कम नंबर है ना, मजाक लग रहा होगा, अगर सब मिला के दुकान हो गया, घर हो गया, सबकी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू मिला दो कुछ नहीं तो 50 लाख तो हो ही जाता है आजकल। 70 लाख अगर आपकी टोटल नेटवर्थ है तो आप दुनिया के टॉप 10% लोगों में से आते हो, और अगर आपकी टोटल संपत्ति 7 करोड़ की है तो आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में से आते हो। हालांकि 7 करोड़ लोग सब लोगों के पास नहीं होते, बट फिर भी अगर आप टॉप 10% में भी आ रहे हो तो सोचो आप कितने लोगों से ज्यादा प्रिविलेज्ड हो। सुन के थोड़ा तसल्ली मिली ना, तो चैनल को लाइक कर दो थोड़ा सा, फिर मेरी नेटवर्क तो लाइक सब्सक्राइब भी है ना मालिक, नहीं करोगे तो अगली न्यूज सुन लो, इसके बाद तो करी दोगे, इतने बेकार आदमी भी नहीं। सर्वे हुआ इंडियंस की फाइनेंशियल फिटनेस को लेकर, फिजिकल नहीं, फाइनेंशियल फिटनेस की, मतलब आप जो है आपके पास कितने पैसे हैं, आपने उसको कितनी अच्छी तरीके से प्लान कर रखा है, इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ किया है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इमरजेंसी फंड है। हर एज ग्रुप के लगभग 2000 इंडियंस पे जब ये सर्वे किया गया तो पता चला कि लगभग 75% 3/4 इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपको कल कुछ हो जाता है तो कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा अंकुर वारिकू बनूंगा, समझ लेना। 40% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास एक इमरजेंसी फंड है, कुछ लोग होते हैं जो एक अमाउंट चुपचाप से तिजोरी में छुपा के रखते हैं कि अगर कल कुछ हो गया तो पैसा काम आएगा। 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक इमरजेंसी फंड है, और 40% ही ऐसे लोग हैं जो डेट फ्री हैं, वरना किसी ना किसी की कोई ना कोई ईएमआई, कोई ना कोई किस्त चल ही रही है। देख रहे हो, 2 ऐसी न्यूज थी, कुछ ना कुछ आप सीख गए। एक और इंटरेस्टिंग बात जो पता चली कि हालांकि आजकल हर दूसरी गली में एक फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाएगा, फिर भी इंडियंस आज भी ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज भी इंडियंस कोर बिलीव करते हैं कि भैया हम या तो एफडी कर लेंगे, या हम सोना खरीद लेंगे, या प्लाट तो है ही है। चलो यहीं पर एक कूल एंड फन एक्टिविटी करते हैं। अगर आपको 100 रुपए दिए जाए और कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट करो, तो उसमें आप क्या करोगे, कितना पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में #investmentplan लिख के जरूर बताना। क्या कह रहा है किंगफिशर म्यूचुअल, इन्वेस्टमेंट करनी है, नशा नहीं करना। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द कंट्री बताती है कि कौन से शहर में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। ये ज्यादातर PM56 PM2.5 को पोल्यूटेंट के बेसिस पर बताती है कि कौन सी सिटी कितना ज्यादा पोल्यूटेड है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते।
अब आप देखो कि आपकी सिटी का नाम कहां आता है। पिछले कुछ महीनों में फरीदाबाद देश की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी देखी गई है। थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इज दिल्ली, फिर नाम आता है गुड़गांव का, फिर बिहार का भागलपुर, फिर गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बल्लभगढ़, भिवाड़ी। पैटर्न में देखा गया है कि ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या फिर आप कहोगे एनसीआर रीजन, वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड होता है एयर पॉल्यूशन के मामले। बट गेस करो इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है। आप में से कई लोग नहीं बता पाएंगे। जिनको पता है कॉमेंट सेक्शन में हैशटैग मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लिख के बताओ। दूसरी वाली घटना सुनो, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। इन दिनों आप जानते हो कावड़ यात्रा चल रही है, तो काफी ज्यादा लोग कावड़ लेके अपनी अपनी जगह पर वापस लौट रहे हैं। अब इसी दौरान कई सारी वीडियोज वायरल होती है जहां पर रास्ते में कावड़ियों से किसी की कहा सुनी हो जाती है, बहस हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाने लगता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाती है, एंड इन सम केसेस इवन पुलिस वैन्स एंड स्कूल बसेस। हरियाणा के फतेहाबाद से यहां बस से कावड़ के छूने और खंडित होने से गुस्साए कावड़ियों ने भारी हंगामा किया। कावड़ियों ने पत्थर बरसाए हैं। इस हंगामे में स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। तो आपको उस पे लोगों के कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ। वीगन संजय बोलते हैं, ये लोग भगवान शिव के पवित्र त्योहार को दूषित कर रहे हैं, हर जगह तोड़ फोड़ के क्या दिखा रहे हैं, इनके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और हमारा धर्म बदनाम हुआ है, इनको कड़ी सजा दी जाए। भाई काम भी तो अच्छे करो यात्रा में, कब से किसी की कार तोड़ रहे हैं, कभी किसी का ई रिक्शा वाले को बुरी तरह मार रहे हैं, इनके घर पे कब जीसीबी चलेगी बेटा, ऐसे सवाल नहीं पूछते। फुजैल बोलते हैं, नो लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी, इट्स टाइम फॉर प्रेसिडेंट रूल इन यूपी। दंगाई तो कपड़े से पहचाने जा सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आतंकवादी तक बोल दे रहे हैं। इससे पहले कोई कुछ बोले, मेरे हिसाब से कावड़ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए, जगह जगह मनाना चाहिए, आप खूब लेके जाओ, डीजे बजाओ, नाचो, सेलिब्रेट करो, लगना चाहिए जहां जहां से निकलो कि हाँ भाई कावड़ यात्री निकल रहे हैं, लोग आपके साथ नाचेंगे, इनफैक्ट आपको पानी, नाश्ता, शरबत पूछेंगे। पर वही उत्सव उन्माद में नहीं बदलना चाहिए। एंड देखो सब लोग नहीं है, मेजोरिटी ऐसे यात्री हैं जो हर साल ये यात्रा करते हैं, बहुत प्रेम भाव से करते हैं, मन से करते हैं। बट रिसेंट टाइम में कावड़ यात्रा में कई सारे अनसोशल एलिमेंट्स भी उसमें आने लगे हैं, जो लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, और इनकी वजह से पूरे कावड़ यात्रियों का नाम खराब हो रहा है। हमारा देश डाइवर्सिटी वाला देश है, कल्चर वाला देश है, रिलीजियस फेस्टिवल वाला देश है, सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इसी बीच अगर पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत नहीं की जाएगी तो कोई फायदा नहीं। किसी की मेहनत मजदूरी से कमाई हुई गाड़ी तोड़ना, स्कूल बस तोड़ना, अगर ये कोई काम करेगा तो पुण्यभागी कैसे हो पाएगा। इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से कावड़ यात्रा को एक नेगेटिव लाइट मिल रही है, और मुझे लगा एक हिंदू होने के नाते मुझे अपना ओपिनियन आपके सामने रखना चाहिए। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग कावड़ यात्रा लिखकर जरूर बताना। नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है। पहली सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आई बिहार के सुपौल जिले से, जहां पर एक स्कूल में 5 साल का बच्चा स्कूल में गोली ले आया और अपने दोस्त पर चला दी। सुपौल के निजी स्कूल में 5 साल के बच्चे ने दूसरे बच्चे को गोली मार दी। 5 साल का बच्चा, मतलब जब हमें नकली वाली देखने को नहीं मिली थी, इसने असली वाली चला दी। A for apple, B for बंदूक, C for कट्टा। ये कट्टा तो केस होता है ना? अबे 5 साल का है, उसे क्या पता। अच्छा, sometimes ना the jokes write themselves। अगली वाली घटना सुनो, ये है उत्तर प्रदेश के मऊ से। हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूँ। 35 साल की बहू पर दिल हार बैठा 70 साल का बुजुर्ग। Men will be men, ठरकी। पहले घर से भागे, फिर गांव लौटकर रचाई शादी। देखो जब भी आप पढ़ो ना 70 साल का आदमी भागा, तो सवाल ये नहीं आता कि क्यों और कहां, सवाल आता है कितना। 70 साल का आदमी 70 सेकंड में 70 फीट में हाँप जाएगा। इंदौर में एक आदमी को नौकरी नहीं मिली, तो उसने IIT कैंपस में एक स्कूल चल रहा था, स्कूल में धमकी दे दी कि सुनो बॉम्ब से उड़ा देंगे। और कहां से हैं हम, बेरोजगार पार्टी कमेटी से नहीं, खुद को बताया पाकिस्तान के ISI का एजेंट। वहां बेचारे ISI वाले कंफ्यूज हो गए कि ऐसा हमने कब कर दिया भैया, हमारा टारगेट तो कश्मीर हो रहा था, इंदौर कहां से पहुंच गए। फोन लगाया, बोल रहा है हमारा लड़का नहीं है। अगली खबर सुनो हरियाणा से, यहां पर एक आदमी फोन चला रहा था, इंटरनेट उसका मोबाइल डेटा खत्म हो गया, तो उसने अपनी पत्नी जो बगल में काम कर रही थी उससे उसका हॉटस्पॉट मांगा, पत्नी ने नहीं दिया, तो उसने पत्नी का कनेक्शन ही काट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हॉटस्पॉट नहीं दिया था उसको। रामपुरी जगह घुसे क्लास कर दूंगा, रबाक रबाक। और अब वक्त है न्यूज पर आपके व्यूज का, इन द नेक्स्ट सेगमेंट टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। किड्स वीडियो 10M ने संडे शो शेयर किया है। आई थिंक रिजर्वेशन इन इंडिया विल एंड व्हेन योर पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू जनरल क्लास मैरिंग विद सम SC। देखो कास्ट को इतनी आसानी से खत्म तो नहीं किया जा सकता, बट एक बहुत अच्छा जो वाक्य है मेरे ख्याल से राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, वो कहा है कि अगर इंडिया में अगर आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो रोटी बेटी का रिश्ता रखना पड़ेगा।
दो अलग अलग कास्ट के लोगों को आकर एक साथ खा रोटी तोड़नी है, खाना खाना है और ब्याह करना है एक दूसरे। बेसिकली कहने का मतलब अ वे टू रीच इक्वालिटी इज टू नॉर्मलाइज इंटरकास्ट मैरिजेस। आई कंप्लीटली अग्री विद इट कि अगर किसी को रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना चाहिए। यू कांट हैव इट बोथ वेज कि नहीं हम भाई ऊपर जाति के हैं, ये हमारे से नीचे हैं और ये फलाना ढिमकाना। एट द सेम टाइम आप बोलोगे यार उनको अनफेयर एडवांटेज क्यों मिल रहा है ना। अगर इक्वालिटी मांग रहे हो तो आप हर एंगल हर एस्पेक्ट में मांगो। रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसको तो हम भाई अब इंडिया की जो स्टेटस पहुंच चुका है कहते हैं ना भेदभाव है, वो इतने आसानी से अब नहीं जाने वाला, वो कुछ हद तक काफी टाइम तक रहेगा। बट कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो आप खत्म करना शुरू कर देना चाहिए हमको, इफ यू आर एजुकेटेड एंड इफ यू आर प्रोग्रेसिव। युवराज सिंह चौहान 4546 लिखते हैं, भाई सर्दी के कारण गला बैठा हुआ है, लड़की की आवाज में दोस्तों को कॉल करके रिचार्ज नहीं करा सकता, तो सार्थक भाई आप कर दो। हेलो, हाँ थोड़ा सा आप या सुरेश बोल रहे हैं भाई? ये मैंने पहला भैया स्कूल में बहुत किया है, मैंने जब स्कूल टाइम में हुआ करता था तो मैं अपने कुछ कुछ लड़के होते हैं इनका मजे लेते, एक फेक आईडी बनाओ, उस टाइम पे फेसबुक पे फेक आईडी बनती थी, फेक आईडी बनाओ फिर बोल दो कि नहीं नहीं मेरे पापा मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कभी कभी लॉग इन करने आ पाऊंगी, ये मेरा चुपचाप से मैंने नंबर लिया है लेकिन पापा मम्मी मेरे को पॉकेट में इस पर रिचार्ज कर दोगे क्या, यूनिनॉर की सिम रिचार्ज करवा दिया उससे, कभी मूवी टिकट खरीदवा दी, कभी करवा दी। क्या करें भाई, करना पड़ता था, पॉकेट मनी, मैं लड़की होके बोलता था कि पॉकेट मनी नहीं मिलती, लेकिन लड़के में मेरी सच्चाई भी तो वही थी, नहीं मिलती थी यार, दोस्त वैसे मेरा रिचार्ज करेंगे नहीं लेकिन फेक आईडी बना के लड़की कर देंगे, दैट्स अ दोस्त प्रॉब्लम नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। पंकज कुमार एग्री बोलते हैं, मैं तो अपनी मरी दादी को इतनी बार मार चुका हूं कि उनकी डेथ भी सैचुरेट हो गई है, अब शादी के बाद बीवी को बीमार करने लगा हूं। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज होते हैं, खुद बीमार इतने हो जाते हैं कि अपनी सिक लीव बची नहीं है, अब क्या करें, अब घर वालों को बीमार कर ले, फैमिली इमरजेंसी, इतनी बार एक्सप्लॉइट कर देते हैं ना, पति बोल रहा है बीवी को कैंसर है, बीवी अपने ऑफिस में बोल रही है बच्चे को कैंसर है, और बच्चा अपने स्कूल में दादी मार दे रहा है, यही चल रहा है बस। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रवि कुमार _19 लिखते हैं, सर भाई आपको कभी डर नहीं लगता कि अगर किसी को आपकी बात खराब लग गई और वो डिफेमेशन केस कर डाला तो उसमें तो आपको आईफोन चला जाएगा ना, आईफोन जाएगा बस भाई, डिफेमेशन केस करोड़ों के भी हैं मेरे ऊपर, मैं तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। बट यार मेरा सबसे ज़्यादा डर ये नहीं रहता कि लोग डिफेमेशन का केस कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं लीगल एस्पेक्ट में उतना ख़राब नहीं बोलता, पर हाँ डर ये ज़रूर रहता है कि कभी भी ना किसी को डिसरिगार्ड ना कर दूँ, डिस्पैरेज ना कर दूँ, क्रिटिसाइज भी करूँ, मजाक भी करूँ, सटायर भी करूँ, तो उस एक एक रिस्पेक्ट के दायरे में करूँ किसी भी इंसान से। Always trying to punch up in my jokes is basically what I try. I don't always pull it off, but हाँ कोशिश यही रहती है कि भाई एक दायरा होता है ना, वो बचकाना हो सकता हूँ बदतमीज ना हूँ, ये दायरा में क्रॉस ना करने की कोशिश करता हूँ। शुभांकुर कश्यप बोलते हैं पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, सर भाई आपको नहीं लगता कि इंडिया बींग द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री हमें मेडल्स बहुत कम मिलते हैं, ऐसा क्यों, और आपको क्या लगता है सरकार कैसे और मेडल्स लाने में मदद कर सकते हैं? बाय द वे लव योर शो, मन करता है आपके सारे वीडियोज देख लूँ पर उतना नेट ही नहीं है, तो आप कमेंट कर दिया तो हम रिचार्ज कर देंगे, नेट कर लेना। इंडिया मेडल इसलिए नहीं जीत पाता है बड़े भाई, क्योंकि एक तो पहली बात हम क्रिकेट ऑब्सेस्ड नेशन है, एथलेटिक्स पे बाकी स्पोर्ट्स पे उतना फोकस ही नहीं है, कई सारे ट्रस्ट में आप ओलंपिक स्पोर्ट्स पे जाओ देखो कि इस ओलंपिक्स में कितने स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कई सारे ऐसे होंगे जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे। मैं संडे भारत जर्नी में जब दीव में मैंने बीच गेम्स कवर किए थे, कई सारे मैं थे जो मैं न्यूज कवर करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि भाई ये वाले स्पोर्ट्स होते हैं। छत्तीसगढ़ में एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर्स की वीडियो अभी इस हफ्ते डालूंगा, वहां पे आपको जब पता चलता है कि जो एथलीट्स हैं उनको ट्रेनिंग जो होती है ना, और दूसरी बात जो है जो ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट होता है प्लेयर्स पे, वो हमारे देश में अभी भी बहुत पीछे है। बाकी जो फॉरेन देश चाइना है रशिया है, दे इन्वेस्ट सो मच इन प्लेयर्स, दे गिव देम सो बेटर इक्विपमेंट्स, ग्राउंड्स होते हैं, इक्विपमेंट्स, तो हमारे देश में बच्चे अपनी मेहनत करके स्कॉलरशिप जीतते हैं स्पोर्ट्स में, और स्कॉलरशिप के पैसे को रीइन्वेस्ट कर देते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदने में, इतनी खराब हालत हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे देश में सपोर्ट नहीं होता ना, अगर आप क्रिकेटर बन जाओ रणजी भी खेल लो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप कोई यहाँ वहाँ के स्पोर्ट्स में रहोगे तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भाई हाँ स्पोर्ट्स कर रहे हो कोटे से सरकारी नौकरी लग जाएगी, यहाँ तक बस इतनी उम्मीद रहती है। एनीवे ये थे आपके कुछ कमेंट्स, कुछ आपकी सोच और उस पर मेरे कुछ विचार, अगर आप भी कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ सोच रहे हैं हफ्ते भर में, इसे कमेंट सेक्शन में #SundaySoch लिखकर अपना वो सोच अपनी वो विचार हमारे साथ शेयर कीजिए, अगले एपिसोड में हम उसको सबके साथ शेयर करेंगे। ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 कमेंटर्स जिन्हें मिलता है एक महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज हमारे चैनल की तरफ से। और अगर आप पूछेंगे कि भैया इसमें मेरा क्या फायदा, तो फायदा है आपको एक महीने का रिचार्ज मिल जाएगा हमारी तरफ से, तो भाई देखते हो वीडियोस वगैरह, चल लो कुछ कमेंट कर लो, हमको एंगेजमेंट मिल जाएगी, क्या पता आपको भैया कुछ एक महीने का रिचार्ज मिल जाए, कुछ जा तो कुछ नहीं रहा ना, क्या कह रहे हो मोहतारी कमेंट करने में, तंग किया गया, या। ताली बजाओ, थैंक यू कटप्पा तली।
चीन टपाक डम डम। सब लोग यही पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये चीन टपाक टम टम कहां से आ गया? हर जगह पूरे इंटरनेट पे आजकल यही चल रहा है, चीन टपाक टम टम, कुछ भी चल रहा हो, बहुत इंटेंस सीन, बहुत तगड़ा डायलॉग आने वाला और अचानक चीन टपाक टम टम। थाला फैंस, मनु भेकर 10 लेटर, ओलंपिक्स 8 लेटर, शूटिंग 8 लेटर, ब्रॉन्ज मेडल 11 लेटर। थाला फैंस, शिट, लेकिन मैथ समझो, 10 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 37, सो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, एंड शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल विच इज थर्ड प्लेस, सो 21 बाई 3 इज इक्वल टू 7, थाला फॉर अ रीजन। बंदे ने तो पूरी भाई ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा लगा दी साथ पे पहुंचने के लिए। शी इज फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा है 7 लेटर्स, थाला फॉर अ रीजन। ओलंपिक इज इक्वल टू 7, एस किस क्यों हटा, एस हटा दो ना, जरूरी थोड़ी ओलंपिक्स बोलेंगे, ओलंपिक बोलेंगे हम, थाला फॉर अ रीजन। और सुनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में जीती ना मेडल, थाला फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल बागों में है। When the joke is funny, but it is on your political ideology. आराम से समझ गया, हाँ उड़ जाएगा 2 मिनट में, ज्यादा चमचाना बने, अबे ओ औतात में केजरीवाल। मी वेन ध्रुव राठीज, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, पापो तूने मोदी जी को गाली दी तो तू एंटी नेशनल। लेपिडो, हाँ भैया। भाई इतने अच्छे कपड़े वपड़े पहने हो, लेपिडो चलाते हो क्या बात? नंगा होके चलाऊं? अरे यार अच्छे घराने के लग रहे थे इसलिए पूछ लिया यार। तो छोड़ डाकू चलाते हैं लेपिडो। भाई तुम्हारा मूड सही नहीं है, कैंसिल कर दो, नहीं जाऊंगा। जिसका मूड ठीक होगा उसी के साथ जाएगा, पीछे बैठ। 1457 है भाई, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ना ये गिग वर्कर्स जो होते हैं उनसे, उनका आप जब भी बोलो उनसे, उनका माइंडसेट आपको पता नहीं है, तो किस माइंडसेट में, तो उनसे बोल के ना तब एक डर के साथ ही बोलना उनको। मैं तुमको एक पर्सनल स्टोरी बता दूं, एक बार क्या हुआ, मैं नीचे से खड़ा हुआ था यहाँ पे ना, वही ब्लिंकिट ज़ेप्टो के नीचे ऑफिस में, तो मेरे को एक डिलीवरी बॉय देखा और ऐसे गुस्से में जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि भैया क्या हुआ ऐसे, मतलब गुस्से में क्यों? तो ऐसे वो हाथ में पैकेट लिया था और ऐसे मेरे को देखता है, और फिर ऐसे बगल में सोसाइटी होती है, सोसाइटी की तरफ देखता है, कहता है मजे करे ये माल लेके जाए हम। मैं कहा भाई ठीक है भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, कोई बात नहीं। अब मैं उसे ये थोड़ी बोलता उस टाइम पे, तो क्या करे वो, मजे में तुमको इन्वॉल्व कर ले। टेक्नोलॉजी का असली यूज तो यहाँ हो रहा है। जब यूपी बिहार वाले के हाथ कोई चीज लगे तब यही होता है। 1 लाख का ड्रोन सिर्फ पानी धोने के लिए। ड्रोन भी लाइक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान इज नॉट फॉर बीकानेर, अबे बीकानेर ही लिख देता इससे अच्छा। खैर ये तो मजे की बात है, पर हाँ इंडिया के एग्रीकल्चरल स्पेस में जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, खासकर जो ड्रोन से खेती की जा रही है ना, सिंचाई हो रही है ड्रोन से, पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, वो बहुत रेवोल्यूशनरी है। जो ड्रोन वर्ल्ड में इन्वॉल्व ज्यादा उसको चीज समझता है कि इंडिया में ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत हो रहा है। इवन द हेयर कलर चेंजेस। अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें चाहिए 9X। भैया फिरंगी ही बना दिया उसको, चेहरे पे रौनक लाइए, फॉरेन पासपोर्ट ऐसा ही मैम, भिड़े भाई। बट व्हाई इज शी शोइंग एटीट्यूड टू द गर्ल हु गेव हर द क्रीम? मेरी बिल्ली मुझे से मियाऊ। व्हाइट वर्शिपिंग कल्चर ऑफ इंडिया एविडेंट इन दिस एड, दैट क्रीम नॉट ओनली चेंज हर स्किन कलर बट आल्सो चेंज हर नेशनैलिटी। किसको चाहिए वीजा पासपोर्ट व्हेन यू हैव 9X क्रीम? इसको ना ये एड बहुत पुराने टाइम पे होगा, एंड नाउ जब मैं इसको इतने टाइम बाद देख रहा हूं तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने किया क्या ना, एड में कोई इंडियन लड़की नहीं ली, मोस्ट प्रोबेबली दे टुक अ फॉरेनर और उसी को उन्होंने थोड़ा टैन करके पहले बिफोर दिखा दिया और बाद में उसका ओरिजिनल फेस आफ्टर। टेल्स यू कि जो फेयरनेस का ऑब्सेशन है उस टाइम पे कितना हुआ करता था। आपको याद हो फेयर एंड लवली आई थी और उसको इतना ज्यादा बैकलैश मिला था कि यार जो फेयर है क्या वही लवली होगा, है ना, तो फिर वो ग्लो एंड लवली हो गया था। भाई कल वीकेंड है, मीटअप करते हैं। रोहन, मैं आया हूँ सहारा रेगिस्तान में, अभी मैं सेंट्रल अमेरिका के पानामा इलाके में पैटागोनिया में हूँ। इस वक्त मैं सुमात्रा के पश्चिमी किनारे पर हूँ। मैं अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर नमीबिया। भाई एक और लालो इसमें, मैं अभी गुड़गांव के ट्रैफिक में हूँ। आदमी सुमात्रा के जंगलों से निकल सकता है, उससे नहीं निकल सकता। पर मेरे तो इतने दोस्त ही नहीं है, एक ही है भाई, मना कर देता। भाई मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में हूँ, मैं अभी जेल में हूँ, मैं कब्रिस्तान में दफन, और सबसे बढ़िया मैं नशे में हूँ। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि हमें डिस्पेंसन में अभी है। बैक बेंचर्स सेलिब्रेटिंग द लास्ट डे ऑफ स्कूल कॉलेज। वो जाकिर खान का वाला स्टैंड अप नहीं था कि हमने एक बार पंखा मोड़ दिया, क्यों मोड़ा पता नहीं, बस मोड़ दिया।
और ये बता, ये हर स्कूल के ना लड़के की वो ख्वाहिश होती है, स्कूल के बच्चे रिलेट करेंगे कि जिस दिन आखिरी दिन हुआ स्कूल का इस टीचर को तो मार के जाऊंगा, जिस दिन आखिरी दिन हुआ स्कूल का ये लाइब्रेरियन से तो मैं वाट लगा दूंगा, जिस दिन आखिरी दिन हुआ स्कूल का ये कांच फोड़ के जाऊंगा। मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना फ्रस्ट्रेट करता है ना कि मन करता है सबसे पहले इसी में निकाल दो। अगला मीम शेयर किया है, लाइक करो सब्सक्राइब करो नहीं क्योंकि वीडियो हो चुका है खत्म। और तुम में अगर थोड़ी सी शर्म हो तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया करो, और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो यूजुअली न्यूज नहीं देखता क्योंकि उसको बड़ी टॉक्सिक लगती है। आप उसकी थोड़ी टॉक्सिसिटी दूर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। एनीवे, ये था इस हफ्ते का एपिसोड, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ध्यान रखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स। आई मीट यू द नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, शब खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब and share.